हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू स्पोर्ट्स चैनल जियो स्पोर्टिका, जहां पे हम शेयर करेंगे फुटबॉल के डेली न्यूज़, इवेंट्स, लड़ाई झगड़े, कलेश, जो भी चल रहे हैं सब कुछ शेयर करेंगे और आप तक हम लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जो मन में है वो करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला न्यूज़ है वो है मेसी और पीएसजी को लेके। तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि पीएसजी अल्ट्रा ने मेसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, इवन मेसी को सन ऑफ अ बिच गाली भी दी है, जो कि एक तरीके से जोक है, क्योंकि मेसी इज़ वे बिगर दैन पीएसजी अल्ट्रा और इवन पीएसजी हिस्ट्री इन अ वे। अगर आप ये देखते हो कि मेसी की क्या फ़ैन फॉलोइंग है, मेसी ने क्या अचीव किया है, मेसी का क्या सक्सेस रेट है, मेसी को किस तरह का ऑनर मिल चुका है, उस हिसाब से पीएसजी की तरफ से ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, एक्सेप्ट एम्बापे ने फ्रांस के लिए एक वर्ल्ड कप जीता है, जो कि बड़ी चीज़ है अपने आप में। मैं उसे डिमीन नहीं कर रहा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीएसजी अल्ट्रास और पीएसजी को यह हक है कि मेसी को वो डिसरिस्पेक्ट करें। ये मैं एज अ मेसी और बारसा फ़ैन नहीं, मैं एज अ जेन्युइन फुटबॉलर फ़ैन होकर आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रोनाल्डो को भी उतना रिस्पेक्ट करूँगा जितना मैं मेसी को करूँगा, उतना ही रैमोस को करूँगा, उतना ही एम्बापे को करूँगा, उतना ही मैं सिटी को ही प्लेयर करूँगा, एक प्रोफेशनल प्लेयर को जो कि एक हाई लेवल पे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, जैसे हो या वर्ल्ड कप हो या बारसा का कोई भी नॉर्मल मैच हो, हमने ये देखा है, या पीएसजी का भी कोई भी मैच हो, या अर्जेंटीना का जो रिसेंट परफॉर्मेंस दिया मेसी ने। मेसी ये डिजर्व नहीं करता कि पीएसजी अल्ट्रा उन्हें जाके सन ऑफ अ बिच बोले। और तो और उन्होंने नेमार के बाहर भी, घर के बाहर, जो कि इंजरी है बेचारा, वो तो खेल भी नहीं रहा है, उनके घर जाके बोलता है गो नेमार गो, ठीक है वो पार्टी प्रोन है। तो ये डिसिप्लिनरी इशू है और पीएसजी हायरार्की को उनसे बात करना चाहिए, पर ऐसा ना करके पीएसजी हायरार्की ने इनडायरेक्टली नेमार और मेसी के ऊपर डिग किया है, उन्हें ब्लेम किया है, उन्हें कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट किया है, जो मैं कि समझ सकता हूँ, क्योंकि मेसी ने तो पहले कर दिया था कि भैया अब ये रीन्यू करेंगे नहीं, इसलिए पीएसजी ने खुद परसों अनाउंस कर दिया, जो कि 2 मई या 3 मई को थे, मुझे याद नहीं आ रहा डेट, पर 2 मई को या 3 मई को पीएसजी ने अनाउंस कर दिया था कि भैया हम अब मेसी को रीन्यू नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली उनके पास क्या ऑप्शन बचता, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अब पीएसजी क्लब इज़ बिगर देन मेसी, जो कि मैं मानता हूँ क्लब इज़ ऑलवेज बिगर देन इंडिविजुअल प्लेयर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके मेसी को ऐसे डीमीन करो या डिसरिस्पेक्ट करो। वैसे ही आप ये देखो कि उन्होंने अल्ट्रास ने जिस तरीके की चीज़ें की हैं वो एक हायरार्की के सपोर्ट के बिना पॉसिबल भी नहीं। अल्ट्रास तो लिवरपूल के भी है, अल्ट्रास तो सिटी के भी है, अल्ट्रास मैन्यू के भी है, उन्होंने भी थ्रेटन किया, लेकिन कभी भी इस तरीके की चीज़ें मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में देखी नहीं। हो सकता है कि अल्ट्रास थोड़े साउथ अमेरिका में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद ये चीज़ हो सकती है, पर मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि मेसी अब पीएसजी छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए यूरोप में रहने के लिए प्राइम डेस्टिनेशन है बार्सिलोना। तो प्रॉब्लम यही है कि बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं कि वो मेसी को इमीजिएटली ला सके, दो वो फ्री ट्रांसफ़र में आएगा, उसके बाद भी जो लालिगा है और जो लालिगा के जो फाइनेंशियल नियम है उसे फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे अभी बार्सिलोना फुलफ़िल नहीं करवा रही है जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि शायद 200 मिलियन का डिफिशिट है। अगर बार्सिलोना को मेसी को साइन करना होगा तो उन्हें 200 मिलियन का प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस है उसे मिलाना पड़ेगा, जो कि जितने मैंने पढ़ा है। तो उस हिसाब से अगर मेसी बार्सिलोना नहीं जाता तो सिटी भी बहुत एक हॉट प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि पेप गार्डोला इज़ ए एडमायरर ऑफ मेसी, वो हर चीज़ में मेसी को सबसे बेस्ट बोलता है। तो एक बहुत अच्छा चांस है कि सिटी में मेसी को जाके साइन करे, पर ये अभी एक रूमर ही है, अभी तो प्राइम डेस्टिनेशन मेसी बार्सिलोना ही है। दूसरा MLS है, MLS में भी MLS इज़ ट्राइंग एवरीथिंग टू गेट मेसी, बिकॉज मेजर लीग सॉकर में अगर मेसी आता है तो उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, एंड अमेरिका इज़ ऑल अबाउट मनी मनी मनी, कैपिटलिज्म से भरा हुआ देश है। तो बहुत अच्छा, एक अगर मेसी आता है तो एक फ़ुटबॉल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और थर्ड सबसे बड़ी ऑफर जो शायद
वर्ल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फुटबॉलिंग ऑफर होगी। 500 मिलियन या 400 मिलियन डॉलर जो है मेसी को ऑफर किया अल हिलाल ने, जो कि सऊदी अरबिया का क्लब है, क्लब ऑफ किंग्स भी बोलते हैं उसे, और वो डायरेक्ट राइवल है अल नसर के, जिसके लिए हमारे रोनाल्डो जी खेल रहे हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस मेसी की राइवलरी भी देखने मिलेगी। और सऊदी अरबिया को, सऊदी अरबिया वैसे भी बहुत तरीके से अपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वहाँ मेसी जाता है तो एक तरीके से सऊदी अरबिया के लिए विन एंड विन सिचुएशन होगी। लेट्स होप बेस्ट फॉर मेसी एंड लेट्स होप बेस्ट फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस हु आर फॉलोइंग मेसी फॉर लास्ट 10 इयर्स लाइक मी। उसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रियल मैड्रिड और जूड बेलिंगम को लेके, जहाँ पे हमने देखा कि जूड बेलिंगम, जिसके लिए लिवरपूल, सिटी, मैन यू, चेल्सी, आर्सेनल सब लगे हुए थे, वहाँ पे रियल मैड्रिड ने वो रेस इजीली जीत लिया, क्योंकि उन्होंने बैकडोर से बहुत दिन से कनेक्शन करके रखा हुआ है। जो भी जूड बेलिंगम के जितने भी एंटोराज है, जितने भी एजेंट्स हैं, उन सब के साथ उनके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, उनके व्यवहार बहुत अच्छा, तो उसी की वजह से जहाँ तक चांसेस ये है कि डॉर्टमंड जो है जूड बेलिंगम को रियल मैड्रिड में ही बेचेगी, और उसके लिए 120-140 मिलियन के बीच में एक फीस साइन होगी, जो मेरे हिसाब से ठीक ही लगता है। जिस तरीके से थोड़ा ओवर 10-20 मिलियंस लगेगा अभी, तो वो चलता है उतना, क्योंकि वो फिर वो ब्रांड लाता है, स्पॉन्सरशिप लाता है, और जूड बेलिंगम जो कि खुद इंग्लिश प्रीमियर, इंग्लिश टीम के खेलते हैं, इंग्लैंड टीम के प्लेयर हैं, उनका मन था कि वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए खेले, कोई एक टीम के लिए, जैसे लिवरपूल हो या सिटी हो। पर सिटी मुझे लगता है इस रेस में हार गई, और रियल मैड्रिड ने ये वाला जो रेस है वो जीत लिया जूड बेलिंगम को लेके। और जैसे कि आपको पता ही है कि रियल मैड्रिड के पास ऑलरेडी विनीशियस, रोड्रिगो, सेबालोस, कैमाविंगा, वालवर्डे, और मैं कौन सा भूल रहा हूँ, टू अचुआ मेनी, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी यंग प्लेयर्स हैं, जो कि फ्यूचर जो है वो यही प्लेयर्स जो हैं जो फ्यूचर में जाके मेन फोकस, जो बड़े बड़े टीम्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स फोकस करेंगे वो इन प्लेयर्स पे करेंगे। दे आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर फुटबॉल। अब वहाँ पे अगर बेलिंगम भी जाता है तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि रियल मैड्रिड गोइंग टू बी अनबीटेबल, अनटचेबल। मैंने उन्हें रोकना एक तरीके से, मतलब ये सोचना भी एक सोचने वाली बात हो जाएगी कि उन्हें रोके भी तो रोके कैसे, जहाँ पे मौदीजा क्रूज ने एक साल एक्सटेंशन ले लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट का, और वो एक साल रुक के और जितने भी यंग प्लेयर उनको नचा करेंगे, उसके बाद जब ये अपने प्राइम में जाएंगे 23-24, तो आप समझ लीजिए ये जो टीम होगी, ये वापस गैलेक्टोस की जो टीम बनेगी, इस बार ये टीम विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरी टीम, और उसको सोच के ही मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वो किस तरह की टीम बनेगी। तो लेट्स होप एंड बेस्ट विशेज फॉर गुड फॉर रियल मैड्रिड एंड गुड लक फॉर जूड बेलिंगम। उसने वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़े क्लब को पसंद किया है, और इसमें कोई ऐसे चौंकने वाली बात तो है नहीं। अगर रियल मैड्रिड कोई भी टीम प्लेयर पीछे जाती है तो वो उनके लिए वो प्रायोरिटी बन जाता है, तो ऑब्वियसली एक क्लब प्लेयर के लिए भी अगर रियल मैड्रिड आ रही है तो वो मैंने बहुत कम ही देखा, जैसे नेमार के केस में या फिर कोई और, मुझे तो याद नहीं होता, जिसने रियल मैड्रिड को डिनाई करके दूसरे क्लब में गया है। तो अगर वो बेलिंगम रियल मैड्रिड में जाता है तो उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो बहुत यंग है अभी, वो 19-20 ईयर्स का है, उसके पास अभी 10 से 12 ईयर है अपने प्राइम में खेलने के लिए, और वो इस टाइम पे जब वो 25-26 के जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, उसकी फुटबॉलिंग स्किल्स, उसके फुटबॉलिंग नॉलेज, उसके फुटबॉलिंग विजन जो होंगे वो एक डिफरेंट लेवल पर जाएंगे, और वो एक फुटबॉल टीम, एज अ फुटबॉल टीम रियल मैड्रिड विल बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम एट दैट प्रेजेंट टाइम। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 5-6 साल बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियल मैड्रिड विल बी अनस्टॉपेबल। उसी के साथ हम ये आज का वीडियो एंड करते हैं, जहाँ पे ये हमारा एक पहला वीडियो है, जहाँ पे हम पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो या कुछ हो गया हो, तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप सपोर्ट करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लाइक करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ हम अपने रोज़ रोज़ नई वीडियो ला पाएंगे। इसी के साथ
मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं लिंक में दे दूँगा, हमारा एक वेबसाइट भी है जियोपॉलिटिका के नाम से, जो कि हम जो करेंट अफेयर्स, जो वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम इंग्लिश में वो वेबसाइट बनाए हैं। तो आप प्लीज़ जाइए उस वेबसाइट पर विज़िट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आर्टिकल्स पढ़िए। आप आर्टिकल्स पढ़िएगा तो हमें व्यूअर्स से मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी अच्छा वेबसाइट को डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए रोज़ नई वीडियो इसी टाइम पे बना के अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।